हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज योर इनसाइट कोच पूनम एंड आई एम बैक विद येट अनदर वीडियो सीरीज. ये वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे सीक्रेट्स टू इम्प्रूव प्रेजेंटेशन स्किल्स. अब बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं कि आपके ज्यादातर जो वीडियोस है वो इंग्लिश में है, तो थोड़े वीडियोस जो है वो हिंदी में भी चाहिए. तो अब ये जो वीडियो सीरीज है वो हम इंग्लिश में करेंगे. वी विल गिव यू सर्टेन टिप्स इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी एज वेल. तो इस वीडियो सीरीज को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे सीक्रेट्स टू इम्प्रूव योर प्रेजेंटेशन स्किल्स. तो अगर आप एक स्टूडेंट हो या एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या एक एंटरप्रेन्योर हो जो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने प्रेजेंटेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो ये पूरे वीडियो सीरीज को जरूर देखें. और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन इट इज अ टाइम टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड द नोटिफिकेशन बटन, ताकि इसके वीडियो सीरीज के जो भी वीडियोस है हम जब भी पोस्ट करें आप उसे जरूर देखें. सो लेट्स गेट यू स्टार्टेड. चलिए मैं शेयर करती हूँ अपना पहला टिप, चेंज फोकस. अब इसका मतलब क्या है? कई बार लोग जो है प्रेजेंटेशन को एक परफॉर्मेंस की तरह समझते हैं, एंड दैट्स व्हाई यू गो थ्रू अ लॉट ऑफ परफॉर्मेंस एंजाइटी कि कहीं मैं अच्छी तरह से परफॉर्म तो कर पाऊंगा, ऑडियंस मुझे सुनेंगी या नहीं, मैं कहीं फंबल तो नहीं करूंगा, या फिर ऐसा नहीं होगा कि मैं कहीं फिलर्स तो नहीं लाऊंगा जैसे अ उ उं, लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं. इस तरह के सवाल है, इस तरह के नेगेटिव इमोशंस जो है वो आपके एंजाइटी को और बढ़ा सकता है. तो सबसे पहली टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो ये है, अपने आप से एक लाइन बहुत स्ट्रांगली कहे, यानी आंख बंद करे एंड यू हैव टू रिपीट दिस टू योर सेल्फ एवरी टाइम यू गो टू योर प्रेजेंटेशन. माय रोल एज अ प्रेजेंटर इज नॉट टू इम्प्रेस एनीवन और कन्विंस एनीवन इन द ऑडियंस. माय रोल एज अ प्रेजेंटर is not to impress or convince anyone in the audience. My role as a presenter is to share valuable information for the benefit of audience. What did I say? My role as a presenter is to share valuable information to the audience for the benefit of the audience. इसका मतलब है मेरा रोल वहां पे जाकर किसी को कन्विंस करना नहीं है. मैं एज अ प्रेजेंटर वहां पे सिर्फ किस लिए जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है जिसे मुझे शेयर करना है लोगों से, और उससे लोगों का भला होने वाला है. सो आई एम नॉट देयर टू इम्प्रेस, आई एम एक्चुअली देयर टू सर्व द ऑडियंस. दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू कंटिन्यूसली रिपीट योर सेल्फ. जब भी आप प्रेजेंटेशन दोगे अपने आप को याद दिलाओ, जब भी एंजाइटी आएगा अपने आप को याद दिलाओ दैट यू आर एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, बिकॉज यू माई फ्रेंड आर द प्रेजेंटर हु इज गोइंग टू हेल्प the audience और उनका भला होने वाला है. तो ये अपने दिमाग में रखें, ना कि ये कि मैं वहां पे जाकर परफॉर्मेंस दूंगा.